अस्सलामुअलैकुम, प्यारी सी सुबह में गुड मॉर्निंग कहते हैं आपको। मैं हूँ हलीमा जुल्फिकार और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज नजमुस साकिब। एक और सुबह आपको वेलकम कहते हैं। आज दो बहुत ही प्यारी सी शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं और लाइफ का ड्रामा सीरियल दिले बेनाम की कास्ट से हम आपको मिलवा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। और आज भी हमारे साथ जो दो शख्सियत मौजूद हैं, आप इनको डिफरेंट प्रोग्राम्स में, डिफरेंट ड्रामास में देखते रहे होंगे, लेकिन इनका शुक्रिया, ठीक है, कि ये हमारी भी स्क्रीन पर जल्द ही जलवागर होंगे दिले बेनाम के अंदर। मैं हमारे साथ लीड एक्ट्रेस इस ड्रामे की मौजूद हैं और इसके साथ साथ हमारे साथ एक सीनियर आर्टिस्ट भी मौजूद हैं जो आप डिफरेंट ड्रामास में देखते रहे होंगे, तो आपको दोनों से ढेर सारी गपशप करेंगे, ढेर सारी उनसे ये भी पूछने की हम कोशिश करेंगे, वो बताएंगे तो नहीं कि ड्रामे की स्टोरी क्या है, लेकिन फिर भी हम अपने व्यूअर्स के लिए थोड़ा सा निकलवाने की कोशिश करेंगे कि स्टोरी क्या है। तो कभी हमारे गेस्ट जो है वो कहते हैं ना कि हलीमा करती हैं कि मेरे दाईं जानिब ये हैं, मेरी बाईं जानिब ये हैं, तो आज दोनों शख्सियात जो हैं वो बाईं जानिब भी मौजूद हैं, तो इसी तरफ देख के आज इंटरव्यू होगा। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही प्यारी सारा एजाज खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका बुलाने के लिए। और उनके साथ मेरे साथ मौजूद हैं सोफिया महमूद साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर हैविंग अस हियर। सुबह सुबह का मूड है, ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी भी सुबह बहुत अच्छी रही होगी। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी भी अच्छी है आप लोगों को देख के। नहीं, और अब और ज्यादा अच्छी हो जाएगी आप लोगों से मिल के और बातें करके। मुझे लग रहा है दिन काफी अच्छा गुजरने वाला है। दिन काफी अच्छा गुजरने वाले। आज सुबह सुबह ही जब एंटर हो रहे थे तो पता चला कि आप लोग आ रहे हैं, तो हमारी टीम जो थी वो भी बड़ी एक्साइटेड थी। तो अभी दिन आगे चलना है, बहुत सारे काम होने हैं, लेकिन हम अपने व्यूअर्स का भी दिन आज की इस कन्वर्सेशन से आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं सवाल कर दूं, इजाजत है आपकी? चलें, इजाजत है, इजाजत है, चलें। सबसे पहले तो मैम, मुझे ये बताएं कि कैसा एक्सपीरियंस चल रहा है दिले बेनाम की पूरी टीम के साथ, स्टूडियो विजन के साथ और खास तौर पर और लाइफ के साथ? आई वुड से कि इट कुड हैव बीन बेटर। इतना बेहतरीन एक्सपीरियंस है अल्हम्दुलिल्लाह। इवन इन द पास्ट विद माय अदर टीम्स आई हैव ऑलवेज हैड अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा फैमिली टाइप, बट ये ज़रा और अपना आप अपनापन लगता है और फैमिली टाइप लगता है, एंड सो आई एम हैविंग एन ऑसम टाइम। मुझे बहुत मजा आ रहा है। चलिए जी, इसी सवाल को मेरे ख्याल से सारा की तरफ लेके जाते हैं। सारा, कैसा आपका एक्सपीरियंस है यहाँ पे काम करने का, क्योंकि बाकी जितने भी आपने ड्रामास किए हैं वो शायद लाहौर में किए हैं, तो ये आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस है इस्लामाबाद के साथ, तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है मेरा अभी तक। इट्स गोइंग रियली ग्रेट। इस्लामाबाद इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी। आई एम हैविंग अ लॉट ऑफ फन। लाइक लोग कहते हैं कि लाहौरियों को इस्लामाबाद नहीं पसंद आता, लेकिन आई एम एंजॉयिंग अ लॉट यहाँ पे, पीसफुल माहौल है। वो तो जलसी में कहते हैं कि पसंद नहीं आता, वरना कराची वालों को भी इस्लामाबाद पसंद आता है। हर शहर की एक अपनी खूबसूरती है। हमारे पास जो मौसम और जो पहाड़ है, बिल्कुल, और जो ग्रीनरी है किसी और शहर के पास नहीं है। फ्रेश एयर एंड जो पीस यहाँ पे है ना, वो आपको और जगहों पर ऑब्वियसली नहीं मिलता। और के साथ काम करने का कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा। द टीम वाज रियली नाइस। आवर डायरेक्टर जासिम सर, ही इज रियली नाइस। द प्रोडक्शन और की सारी टीम, एवरीवन हु कम्स टू द सेट, एवरीवन सो स्वीट, सो नाइस, सो अकोमोडेटिंग। उन्होंने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मेरे लिए तो बनाया है। आई एम सो हैप्पी वर्किंग विद दिस टीम, एंड आई एम जस्ट होपिंग द प्रोजेक्ट कम्स आउट एज ग्रेट एज आवर एक्सपीरियंस इज गोइंग। इंशाल्लाह। मुझे ये बताएं सारा, स्टार्ट कहां से लिया और क्यों लिया? स्टार्ट मैंने लिया था, आई हैड अ प्रोजेक्ट इश्क साथ, वो मैंने लाहौर में ही शूट किया था जैसे हलीमा ने कहा है। तो इट वाज जस्ट लाइक बाय चांस, आई डिडंट रियली वांट टू गेट इनटू एक्टिंग इनिशियली, बट वो बस अल्लाह की तरफ से हो गया। जहाँ से आपका होता है वो आप उसी साइड पे चले जाते हो। बचपन में शौक होता है ना बच्चों को परफॉर्मेंस करने का या एक्टिंग में आने का, या वो स्टारडम एक लाइफ देख के थोड़ा बहुत होता है। हर ही मेरे ख्याल से लड़की चाह रही होती है वो भी अपनी स्टोरी में कहीं ना कहीं हीरोइन बन ही जाए। हाँ, हीरोइन बन जाए, उसका एक हीरो है, लेकिन दैट वाजंट द केस विद मी एट ऑल। बचपन में मैं बस देख के खुश होती थी। आई वाज लाइक ओके दिस इज फन फाइन, बट लाइक नहीं, आगे मेरा जाके इस किस्म का कोई प्लान नहीं था। आई वॉन्टेड डिफरेंट थिंग्स इन लाइफ, लेकिन आई वॉज एक्चुअली, मैंने बचपन में स्कूल प्लेस के लिए ऑडिशन भी दिया, एंड दे वर लाइक नहीं बेटा आप ना करें। तो था ना, आपको तो शौक था ना, तभी आपने ऑडिशन दिया। उन्होंने मुझे कहा बेटा आप बहुत शाय हो, आप तो कर ही नहीं सकते हो, तो यू कांट डू दिस, आप जाओ। मैंने कहा मेरी वहाँ ही उम्मीदें जो हल्की फुल्की थी वो खत्म होगी।
But then phir by chance I acted in university in plays for the government and phir wahan se bas chal jaan tha phir by chance I luck pe tha I got into this industry and now I'm having a good time. Acha aap batao aap bhi isi tarah hadsaati taur pe aa gayi field mein ya ye thoda plan tha kuch zyada hi hadsaati taur pe actually because mera कभी भी इस तरफ आई वॉज नेवर इंक्लाइन टूवर्ड्स एक्टिंग बिकॉज एक्टिंग क्या होता है इट्स अ बिग थिंग यू नो फेसिंग द कैमरा जो मुझे आपके बारे में पता है आप पहले एफएम पे थी मैं एफएम पे डिफरेंट चैनल एफएम से यहां कैसे यस डिफरेंट 101 89 प्लैनेट 94 ये सब किए सो तो मैम आपका तो अपना शहर है इस्लामाबाद मेरा तो आई जस्ट यस एब्सोल्युटली और आई थिंक बीइंग टॉकेटिव तो मुझे हमेशा से था कि मैं कोई ऐसे ही कोई टॉक शो टाइप करूँ नथिंग विद एक्टिंग क्योंकि मुझे डेफिनेट था कि जिसमें जाऊँगी फ्लॉप हो जाएगा ना बट माई डायरेक्टर रोहिल साहब ही टुक बिग चांस विद मी इन 2014 सो इट्स वेरी वेरी अर्ली जस्ट 8 ईयर्स बैक आई स्टार्टेड बट जब एक दफ़ा आ गए इसके अंदर फील्ड में सो आई एम गुड टू गो नाउ एटलीस्ट आई नो आई एम नॉट कैमरा शाय तो आई एम गुड टू गो तो फिर अभी तक का सफ़र कैसा रहा इस फील्ड को कैसे देखती हैं सपोर्टिव हैं लोग नहीं सपोर्टिव जेलसी फैक्टर वगैरह ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस मिले हैं एंड आई एम सरप्राइज जब लोग पूछते भी हैं उस तरह से कि यार लाइक यू नो देयर आर टू मेनी थिंग्स नेगेटिविटीज एंड ऑल बट नो आई हैव नेवर हैड दिस मैंने जहाँ से भी स्टार्ट किया और जो भी मेरी जर्नी एवरीवन वाज वेरी सपोर्टिव टीम डायरेक्टर साहब और co-artists, everyone or you know like even the younger artists at time they would tell me ke ma'am aap is tarah kar le aap is tarah kar le you know so I felt very nice ke yaar they're being so generous about their you know helping out तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा है आई एम अल्हम्दुलिल्लाह कीपिंग फिंगर्स क्रॉस के आगे भी हमेशा अच्छा ही रहे और इस हवाले से अगर कुछ बात की जाए कि आपने कराची में काम किया ठीक है इस्लामाबाद में काम किया डिफरेंस कुछ लगा नो आई हैव नेवर बीन टू कराची आई हैवंट वर्क्ड देयर बट व्हेन वन ऑफ देयर चैनल्स शिफ्टेड हियर इन 2019 सो मेरा जो था अहदे वफा वाज माय प्रोजेक्ट विद देम जो मेरी रिकग्निशन बना है सो इसलिए मुझे वो चीज हमेशा से एक ही तरह लगी है यू नो लाइक मुझे वो नहीं फर्क महसूस होता कि इफ आई एम वर्किंग देयर और हियर बिकॉज वही चीज है हाँ ये प्रोडक्शन सारी बिल्कुल ठीक तो सारा प्रोडक्शन के लिहाज से आपको लाहौर की और यहाँ की इंडस्ट्री में कोई वाज़े फर्क दिखा या नहीं नहीं नॉट रियली आई हैव वर्क्ड इन कराची एज वेल और यहाँ पे भी मैंने इस्लामाबाद में भी मैंने एक और प्रोजेक्ट किया था एवरीवन इज जस्ट रियली प्रोफेशनल लोग कहते हैं कि कराची का थोड़ा डिफरेंट फ्लो होता है और जी इस्लामाबाद लाहौर तो नहीं कम्पीट कर सकते बट ऑनेस्टली मुझे नहीं इस तरह से लगा ऑब्वियसली जिनका काम होता है जिनका प्रोजेक्ट होता है जो कर रहे होते हैं इट्स लाइक देयर बेबी एंड यू नो दे टेक केयर ऑफ देयर प्रोजेक्ट वो उसको अपने उस हिसाब से बना रहे होते हैं तो एवरीवन इज वेरी डेडिकेटेड एंड यू नो indulged and invested in their project to mujhe to bahut acche experiences mile hain hamesha se chale hum aage bhi gupshup jari rahenge pehle segment ki taraf hum log badhte hain wapas aayenge dher sari gupshup ke sath phir se mulaqat hogi kahin mat jayega hamare sath rahiye assalam alaikum nazreen main hu aapki host dr faiza aur aap dekh rahe hain the fitness show aaj hum baat karenge skinny logo ki underweight logo ki and aapko main kuch tips bataungi how to gain weight ab फैट लूज करना इतना ही ज़रूरी है जितना फैट गेन करना क्योंकि अंडर वेट भी एक कंडीशन होती है आपका लेट्स से बीएमआई नॉर्मल हमारा 20 होता है ठीक है अगर आपका बीएमआई इट्स लेस देन 18.5 इसका मतलब आप अंडर वेट कैटेगरी में आते हो अंडर वेट होने की वजह से आपके रिस्क ऑफ इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं आपका जो इम्यून सिस्टम है वो इम्पेयर होता है आपको अर्ली एज में ऑस्टियोपोरोसिस स्टार्ट हो जाता है विच इज़ रियली प्रॉब्लमैटिक अब हम बात करते हैं कि हम इस पे कैसे काम कर सकते हैं हम अपने वेट को कैसे गेन कर सकते हैं सबसे पहले आपने जाना होता है कैलोरी सरप्लस में कैलोरी सरप्लस वो चीज़ होती है इट्स बेसिकली जितने डेली आपका कैलोरी इनटेक है आपने उससे आप लाइक लेट्स से आपकी बॉडी डेली का 1500 या 1600 आपका कैलोरी इनटेक है आपने उससे ज़्यादा लेना है अब इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपने स्लो स्टेडी वेट गेन करना है या आपने फास्ट वेट गेन करना है इफ़ यू वांट टू गो फॉर द स्लो वन तो आप 300 to 500 कैलोरीज डेली लोगे
अगर आपने फास्ट अपना वेट गेन करना है तो यू गो फॉर 700 से 1000 कैलोरीज आपने ज़्यादा लेनी है अपनी डेली इनटेक से। ये हो गई कैलोरी की बात। दूसरा, आपने हैवी लिफ्टिंग करनी है, आपने वर्कआउट करना है, आपने अपनी स्ट्रेंथ पे काम करना है। आप जितना ज़्यादा अपनी स्ट्रेंथ पे काम करोगे उतनी जल्दी आपकी बॉडी जो है वो टोन अप होगी। एंड यू शुड एटलीस्ट ईट 3 meals पर डे। अब इसमें ये होता है कि आप अगर 3 meals ले रहे हो, आप अपनी कैलोरीज काउंट कर रहे हो, इसके साथ साथ यू हैव टू ईट स्नैक्स। आप अपने जो मील्स हैं उसको स्क्वीज करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, बट यू शुडेंट ईट अनहेल्दी फूड। आपने जंक फूड नहीं खाना, जंक फूड से आपका फैट तो आ जाएगा लेकिन वो फैट अनहेल्दी है, वी डोंट नीड दैट फैट। आपने मसल मास पे काम करना है, उसके लिए आपने अपनी डाइट का ख्याल रखना है, आपने हेल्दी प्रोटीन्स लेनी है, प्रोटीन इनटेक आपका ज़्यादा होना चाहिए। सो यू शुड ऐड प्लेंटी ऑफ प्रोटीन्स जिसमें आप कार्ब्स और फैट्स का भी इनटेक रखोगे ताकि आपकी जो डाइट है वो बैलेंस्ड रहे। तो इस सेगमेंट में हम आपको कुछ एक्सरसाइजेस करके दिखाएंगे टू हेल्प यू गेन वेट, सो स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ हैं डॉक्टर रिदा और आज हम जो एक्सरसाइजेस करने जा रहे हैं वो एक्सरसाइजेस आपको हेल्प करेंगी टू गेन वेट। वेट का ताल्लुक आपकी डाइट के साथ, क्योंकि 60% आप अपनी डाइट से वेट गेन करते हो और बाकी का जो 30% है वो आप एक्सरसाइजेस से करोगे। तो रिदा हमारे साथ है, वो हमें एक्सरसाइजेस परफॉर्म करके दिखाएंगी। आज की पहली एक्सरसाइज है पुशअप्स। इसके लिए आपने मैट पे आना है प्लीज़। वेरी गुड। अपने के हाथों की पोजीशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें अक्सर लोगों के शोल्डर्स पे इम्पैक्ट जाता है, विच इज़ रॉन्ग। आपका शोल्डर इन्वॉल्व होगा लेकिन सारा इम्पैक्ट आपके शोल्डर पे नहीं जाना चाहिए। इट्स फॉर योर चेस्ट एंड फॉर योर अपर आर्म। वेरी गुड। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट वेरिएशन है एक्सरसाइज की। अगर आपने इसको ईजी करना है तो आप अपने नीज पे भी कर सकते हो। वेरी गुड। एंड एज यू प्रेस अप यू हैव टू ब्रीद आउट। वेल डन रिदा, वेरी गुड। पुशअप्स की काफ़ी ज़्यादा वेरिएशंस हैं बट लेट्स स्टिक टू दीज एक्सरसाइजेज ओनली। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, विच इज़ स्क्वाट्स। स्क्वाट्स आपके लेग की स्ट्रेंथ के लिए बहुत ज़रूरी होती है। उसके लिए आपने स्टैंड करना है अपने शोल्डर विद अपार्ट, आपके फीट होने चाहिए एंड यू हैव टू ड्राइव योर हिप ऑल द वे बैक। सेम थिंग, इसमें भी आपने अपने एब्स को स्क्वीज करके रखना है थ्रू आउट। यू कैन डू गुड 10 to 8 रेप्स और इसके आप 3 sets करोगे। अगर ये आपके लिए मुश्किल है तो आप बॉक्स पे भी कर सकते हो, बेंच पे भी कर सकते हो। वेरी गुड। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, विच इज़ लंजेस। लंजेस आपकी लेग की एक्सरसाइज है, इट्स अ कंपाउंड मूवमेंट। वेरी गुड। इसमें आपने अपने नी को बेंड करके नीचे लेके जाना है बट यू डोंट हैव टू टच द फ्लोर। जिनको नी प्रॉब्लम होती है वो ये एक्सरसाइज अवॉइड करें और आप 10 reps करेंगे ईच साइड। वंस यू आर डन विद वन लेग यू स्विच टू अनदर वन और इसके भी आपने 3 sets करने हैं, जितने भी आप लेट्स स्टार्ट विद 8। अगर आप 8 कंफर्टेबली कर लेते हो देन यू प्रोग्रेस टू 10, फिर आप 12 भी कर सकते हैं रेप्स। वेरी गुड। अब हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, विच इज कर्टिसी लंजेस। इट्स सेम, यू हैव टू स्टैंड स्ट्रेट और आपने अपने लेग को बेंड करके लेके जाना है दूसरी साइड पे। वेरी गुड। इसमें आपके साइड जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, उसमें आपको बर्न फील होता है। आपको फील हो रहा है स्ट्रेस ऑन योर साइड्स? इसके भी आप रेप्स करेंगे 10 to 12 रेप्स, जितने भी आप आराम से कर सकते हैं। थैंक यू रिदा। तो ये थी हमारी आज की एक्सरसाइजेज। वेट गेन के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने डाइट का ख्याल रखें, आपने प्रोटीन कार्ब्स और हेल्दी फैट्स का इनटेक भी रखना है साथ साथ। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, स्टे ट्यून्ड विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। तो आज हम बात करेंगे ऑयली फूड के नुकसान के बारे में। ऑयली फूड बेसिकली अनहेल्दी फैट्स जो होते हैं। अब होता यह है कि जब आप अनहेल्दी फैट्स लेते हो तो वो आपकी वेन्स में, आपके वेसल्स में डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके कोलेस्ट्रॉल जो है, बैड कोलेस्ट्रॉल जो है वो हाई होता है। अब इसको आपने अवॉइड करना है। अगर आपने तली हुई चीज़ें खानी हैं, यू गो फॉर ऑलिव ऑयल, क्योंकि होता यह है कि आप अगर ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ें खाओगे तो उसमें आपकी ब्लॉटिंग होगी, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम होगी, आपकी स्किन पे एक्ने आना शुरू हो जाएगी
और आपके कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज करेगी. इसीलिए यू हैव टू अवॉइड अनहेल्दी फैट्स. यू हैव टू अवॉइड अनहेल्दी फैट. अनहेल्दी फैट की वजह से यू विल फील लेथार्जिक. आपको थ्रू आउट द डे आप में एनर्जी नहीं होगी, क्योंकि हमेशा ये जो सारी चिकनाई वाली चीज़ें हैं ये हमेशा आपकी एनर्जी को और आपके मूड को सप्रेस करती हैं. तो इसीलिए हम अवॉइड करते हैं. हम आपको हमेशा कहते हैं कि अच्छा, अगर आपने खानी ही है ये सारी चीज़ें तो डोंट यूज़ ऑयल. आप बेशक स्टीम्ड या बॉइल्ड फूड की तरफ जाएं. तो ये थी हमारी आज की न्यूट्रिशन टिप ऑफ द डे. ईट हेल्दी एंड स्टे फिट. अपना ख्याल रखिएगा. जी वेलकम बैक टू द शो. चलते हैं सारा की तरफ. सारा, जैसे आपने खुद ही कहा कि मैं थोड़ी शाय थी, इस वजह से मुझे हर ऑडिशन में रिजेक्ट कर दिया जाता था. कि हर की बात नहीं की थी आपने काफी में तो क्या अभी भी शाय है? और एक शाय पर्सन, मतलब टीवी पे जो लोग आते हैं उनके बारे में समझा जाता है कि तो बड़ी तेज तर्रार होंगे, तो अभी भी शाय है और उस चीज के साथ कैसे कोप अप करती है? आई डोंट रियली नो. मुझे तो नहीं लगता मैं शाय हूँ, क्योंकि वो एक कैमरा शाइनेस होती है ना. मेरे तो पहले प्रोजेक्ट में भी मुझे उस तरह से नहीं हुआ था. इनके साथ भी मैंने लाइक अभी रिसेंटली एक और प्रोजेक्ट किया था, शी वाज प्लेइंग माय मदर इन दैट एज वेल. तो आप बस एक बॉन्ड बना लेते हो एंड यू नो आई एम लाइक दिस इज माय मॉम एंड यू नो जिस तरह शी इज सो सच अ स्वीट पर्सन एंड यू नो वो एक बॉन्ड डेवलप हो जाता है. तो मैं बस उसी तरह उसमें कर देती हूँ एंड यू नो इट्स लाइक मैंने देखा आप दोनों का ड्यू जो है वो काफी मशहूर है. सारा की पिक्चर्स के नीचे कॉमेंट्स आ रहे होते हैं कि कितनी लवली मदर है उसकी. तो इस टाइप का है कोई बॉन्ड? अच्छा, मुझे आप ये भी बता दें, यहाँ पे बात होगी कैरेक्टर्स की, तो इस ड्रामे में क्या क्या जो है रोल प्ले कर रहे हैं आप लोग? पहले सारा आप बताएं. इस ड्रामे में मैं फायजा का रोल प्ले कर रही हूँ एंड शी इज़ अ वेरी स्टबर्न पर्सन. बहुत ढीठ है, अपनी अम्मी की बात बिल्कुल नहीं सुनती है. ठीक है, शी डज नॉट केयर. ये क्या कह रही हैं, इसके अम्मी पीछे उसके फिरती रहती हैं कि ये कर लो बेटा वो कर लो, लेकिन नहीं, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता. अपनी बाकी की लाइफ में भी शी इज़ लाइक दैट, शी इज़ स्टबर्न. जब कॉलेज वगैरह में जाती है, उसकी फ्रेंड्स वगैरह हैं, काफ़ी इस किस्म का उसका कैरेक्टर है कि अनकेयरिंग सी, थोड़ी नम सी है. शी इज़ बिन थ्रू सम स्टफ इन हर लाइफ और थोड़ा और उसकी वजह से अब उसकी पर्सनालिटी ऐसी हो. हाँ एग्जैक्टली, लाइक वो प्रोजेक्ट की जो स्टोरी है ड्रामे की वो भी थोड़ी सी इसी टाइप की है. थोड़ा सा बीच में इट्स बेस्ड ऑन अ बिट ऑफ अब्यूज़ तो एंड हाउ पीपल ग्रो अप उसके साथ एंड हाउ इट शेप्स देयर पर्सनैलिटी एंड दे डिवेलप उस तरह से, चाहे आप जिस पीस स्ट्रेटा में हों सोसाइटी के. तो फायजा इज ऑल्सो अ विक्टिम ऑफ सच सर्कमस्टांसिस और फिर वो बड़ी होके थोड़ी सी इस किस्म की नम सा कैरेक्टर उसका बन जाता है. और फिर उसकी कैरेक्टर डिवेलपमेंट ऑब्वियसली आगे शो किया है कि किस तरह थ्रू हर एक्सपीरियंसेस एंड थ्रू द लव जो लोग उसको शो करते हैं वो थोड़ी सॉफ्ट होती है और थोड़ा उसका कैरेक्टर आगे चेंज होगा. और मैम आप? हाँ, मैं तो आई थिंक व्हाट आई कैन, मैं एक ही चीज कह सकती हूँ, अगर मुझे पहचान सकते हो उस कैरेक्टर में तो पहचान लेना. बिकॉज इट इज, मैं इसकी मदर बनी जरूर हूँ, बट इट्स एब्सोल्युटली वेरी चैलेंजिंग रोल फॉर मी एज अ मदर आल्सो, क्योंकि सारा गेटअप डिफरेंट है, वॉइस टोन एक्सप्रेशन सब डिफरेंट है. मतलब पहले लोगों ने आपको वालदा के रूप में देखा, देखा इस दफा एक अलग वालदा आ रही है, एक और वालदा आ रही है जिस पे आई डोंट थिंक इतनी जल्दी लोग थोड़ा सोचेंगे अच्छा वेट ये वही है कि कौन है. अच्छा, इट्स द होल थिंग जो पूरा गेटअप है चेंज है, इट्स टोटली एब्सोल्युटली. मेरे ख्याल से इस गेटअप में देखने के बाद तो बिल्कुल भी वो आपको नहीं पहचानेंगे. इवन हमारे एक्सेंट्स, हमारे बोलने का तरीका, यू नो एब्सोल्युटली आई हैव टू वर्क हार्ड ऑन इट. और इसलिए मुझे, क्योंकि वो मेरे लिए भी नया एक्सेंट है, ये नॉर्मल नहीं है जो मैं बात कर रही हूँ, तो इसलिए उसको नो मेकअप लुक है. अच्छा, एब्सोल्युटली वॉश्ड आउट. एक्टिंग क्या है आपके लिए? मेरे लिए एक्टिंग क्या है? आई थिंक पुटिंग योर जो आपका पैशन कह लें, आपकी आप फॉर्म ऑफ आर्ट कह लें, या एक्सप्रेशन कह लें, सो दैट इज़ एक्टिंग फॉर मी. के लाइक जब आपको कुछ दिया जाता है कोई रोल या समथिंग, उसमें आपका पैशन आता है, उसमें आपके एक्सप्रेशन आते हैं, उसमें आपकी एवरीथिंग पुट टुगेदर इज़ एक्टिंग फॉर मी बेसिकली. ठीक, और सारा आपके लिए एक्टिंग क्या है?
एक्टिंग मेरे लिए लाइक शी सेड इट्स अ फॉर्म ऑफ आर्ट एंड आर्ट में व्हाट यू डूइंग इज यूर एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ थ्रू डिफरेंट मीडियम्स. आप मतलब पेंटिंग कर लें, आप सिंगिंग कर लें, आप डांसिंग कर लें, आप अपना अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं. एक्टिंग भी इसी तरह स्टोरी टेलिंग. आप अपना रोल डेवलप कर रहे होते हो, आप अपने दिमाग में एक पूरी स्टोरी बनाते हो उस कैरेक्टर की कि उसकी ज़िंदगी में ये हुआ होगा, वो रोज़ ये करती होगी, सुबह उठ के वो ये करती है, एंड यू नो ओपन्स अप योर इमेजिनेशन. आप पेंटिंग, आपके ज़हन में आया क्या पेंटिंग से कोई लगाव है? बचपन में आई यूज टू पेंट अ लॉट. जब वो मैं शाय डिक्लेयर हो गई थी तो इंट्रोवर्ट होके मैं पेंटिंग करने लग गई. मतलब उसको एक्सप्रेशन आपने बना लिया, आर्टिस्ट्री मैंने उसमें निकाली. फिर वही मैंने बात की ना कि एक डिजाइनर है वो स्टोरी टेलिंग कर रहा है अपने कपड़ों के थ्रू, ठीक है, एक पेंटर है वो, या एक कैलीग्राफर है, इसी तरीके से एक सिंगर है. तो हर कोई आर्टिस्ट है और अपने अपने फॉर्म में जो है उसको एक्सप्रेस कर रहा है. अच्छा, कैरेक्टर करते हुए, कोई भी कैरेक्टर करते हुए क्या क्या चैलेंजेस आते, क्योंकि बहुत सारे लोग जब एक्टर्स को देखते हैं तो उनके बारे में एक ही परसेप्शन आ जाती है कि इन्होंने तो बस तैयार होकर आना है. तो वो क्या क्या चीज़ें होती हैं जिनमें से एक एक्टर गुजरता है जो आम लोग नहीं समझ सकते, अंडरस्टैंड नहीं कर सकते? आई थिंक सर द होल टाइम दैट वी डेडिकेट टू दैट प्रोजेक्ट टू दैट डे पर्टिकुलर, मतलब हम आते हैं प्रिपेयर्ड कि दिस इज ऑन द सेट नाउ, घर में क्या है क्या नहीं, वॉट एवर, इट्स ऑल ऑफ, स्विच बटन ऑफ हो जाते हैं वहाँ के. सो मेरे लिए आई थिंक इट इज़ चैलेंजिंग कह लें कि वी हैव टू ऑल्सो सेट इन विद द होल टीम दैट इज़ देयर, विद द कैरेक्टर इटसेल्फ, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके एक्सप्रेशंस ऑफ यू नो, अपने आप को ढालना उस चीज़ के अंदर. सो दीज आर चैलेंजेस, क्योंकि इट्स नॉट ईजी कि जी अच्छा जी मदर बन के आ गए. मदर इज़ वो रोल का मदर है, बिल्कुल. आई एम नॉट द मदर जो मदर मैं हूँ, आई हैव टू स्विच. ये भी हम पूछेंगे, तो मुझे वो चीजें स्विच ऑफ करनी पड़ती हैं कि नहीं मैं उन बच्चों वाली माँ नहीं, मैं इस बच्चे की माँ हूँ. इस स्टोरी लाइन में मैं बैठती हूँ और मैंने किस तरह अपनी हर चीज को एक परफेक्शन में लाना है, स्टार्टिंग विद माई बॉडी लैंग्वेज, माई एक्सप्रेशन, विद माई जेस्चर्स, हैंड जेस्चर्स, एनीथिंग एवरीथिंग, एंड देन एज वेल एज द होल सेट, द टीम, आई हैव टू वर्क विद देम to bring out the best results. So bringing out the result is very challenging. So Sara, आपको क्या मतलब as a young person, उन्होंने तो मदर के हवाले से कहा कि मैं घर पे जिन बच्चों की माँ हूँ मैं बिल्कुल different हूँ, और यहाँ जब मैं फायजा की माँ बनी हूँ तो मैं एक different माँ हूँ. तो आपको क्या लगता है क्या challenges आपने face किए हैं acting के दौरान? Obviously ये character development वाला एक challenge काफ़ी होता है कि you have to actually switch off your actual life, जिस तरह आप बोलते हो, जिस तरह आप सोचते हो, सारी actually आपका पूरा thought process आपको switch off करना पड़ता है कि नहीं मैंने इस तरह से नहीं सोचना, क्योंकि ये जो character है ये इस तरह से बड़ा हुआ है, मेरी तरह वो बड़ा नहीं हुआ. मे बी यू नो यूर अ प्रिवलेज पर्सन, दैट अदर पर्सन वो उतना प्रिवलेज नहीं है. तो वो सारा आपका जो कैरेक्टर बनाना और उस कैरेक्टर में रहना, एवरी मोमेंट आपका हल्का सा एक्सप्रेशन अगर आपने अपने वाला दे दिया तो वो कैरेक्टर पे सूट ही नहीं करता. तो बीइंग अ सारा सेलिब्रिटी, ठीक है, या एक्टर, अब मैं इनसे उल्टा सवाल पूछूंगा, पर्क्स क्या हैं इसके? पर्क्स क्या? मुझे तो लगता है कि मेरे लिए सबसे बड़ा जो रिवॉर्डिंग चीज होती है कि पीपल एक्नॉलेज यू. मेरे ख्याल में उससे बड़ा पर्क नहीं कुछ हो सकता. दे बिकॉज वी आर हियर बिकॉज ऑफ देम. And for me, it is a very important thing. और मेरे पास कोई छोटा बच्चा या कोई एडल्ट, कोई यंग किड्स, वो आते हैं, that's rewarding for me कि अच्छा they can recognize me, they you know they are appreciating it. खुशी होती है. और you know like क्योंकि माँ का ऐसा रोल होता है कि it's not necessarily it's not apart from the whole team, but it is not also that important कि लोग आके आपको acknowledge करें. But the thing is कि it's the project जिसके ऊपर मैं कहती हूँ कि यार they are they're praising our project, they are appreciating that project, जो भी हमारा ड्रामा चल रहा है या इस तरह. सो मुझे तो लगता है कि that's the best perk for me. What about you, Sara Ijaz Khan? मुझे सबसे बड़ा perk I think ये लगता है that हम लोग different projects करते हैं and every time we get to work with a new team, जितना भी हमारा time गुजरता है उनके साथ 30 days, 2 months, जितना मर्जी आप टाइम गुजार रहे होते हो, इट्स अ न्यू टीम एवरी टाइम एंड यू गेट टू मीट सो मेनी डिफरेंट पीपल. और वो सारे लोग अपनी तरह से ना विजनरीज होते हैं, आर्टिस्टिक होते हैं, और आप उनके साथ बातचीत करते हो, आप उनके साथ बैठते हो,
आप उनके सामने वल्नरेबल होते हो, लाइक यू नो वी एक्टर्स हम लोगों को इतने एक्सप्रेशंस देने पड़ते हैं, तो यू गेट टू ओपन अप एंड दे गेट टू ओपन अप, इतने थोड़े से टाइम में यू गेट टू नो सो मेनी पीपल, आई थिंक काफ़ी मैजिकल सा होता है, आई रियली एंजॉय दैट. ठीक हो गया, सेगमेंट की तरफ बढ़े हैं रीमा जी. बिल्कुल, चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ और जल्दी से वापस आएंगे और इनसे बहुत सारी और बातें करेंगे. अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ शेहान आकाश और आप देख रहे हैं डोंट बिकम अ विक्टिम फाइट बैक सेल्फ डिफेंस सीरीज. बहुत सारी चीज़ें हम सीख रहे हैं और आप सबकी मेल्स भी हमें आ रही हैं. आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो ये है कि अगर आपका कोई गला पकड़ता है तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर आज हम काम करने जा रहे हैं. नजमा मेरा साथ दे रही हैं. नजमा, अगर आपका मैं गला पकड़ूँ तो क्या करना चाहिए, ऐसे अगर कोई आपका गला पकड़ ले तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, कुछ आइडिया आपको? बिल्कुल नहीं है. ओके, मेरा गला पकड़ें आप. अच्छा जी, अब सिचुएशन क्या है कि जैसे नजमा बुद्ध बन के खड़ी होगी तो नॉर्मली यही होगा कि आपका कोई भी गला पकड़ेगा, जब आपको टेक्निक्स नहीं आती होंगी तो आप क्या करेंगे, यूं करके खड़े हो जाएंगे, या अगर वो आपसे कुछ मांग रहा है तो आप उसे निकाल के दे देंगे. तो ऐसी सिचुएशन में जो हमने पहले भी बात की कि अगर कोई यूं आपकी तरफ बढ़ रहा है तो सबसे पहले तो आपको पीछे हटना चाहिए, ये एक नेचुरल प्रोसेस है. आपका माइंड इतना हाजिर होना चाहिए कि आप उस सिचुएशन में से आउट हो जाए. अगर नहीं हो रहे हैं तो पकड़ लिया यहाँ से, तो आप ऐसी सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, ये जो हमारी एल्बो का ज्वाइंट है यहाँ पे हम हाथ रखेंगे यूँ, एक हाथ मैंने यहाँ पे रख लिया और यहाँ से मैं यूँ मूव करूँगा. अच्छा, जब ये वाली जगह जो है इसके ऊपर अगर प्रेशर दिया जाए, आप चाहे मेल हैं या फीमेल हैं, जब आप इसके ऊपर प्रेशर डालेंगे तो ये टूट जाएगा. पहली चीज़ तो हो गई ये. अच्छा, अब सिचुएशन हम चेंज करते हैं. मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब आप लोग पूछते हैं हमसे, सवाल करते हैं कि जी अगर एक हाथ था दूसरा हाथ होता यहाँ से होता, तो यही चीज़ें हम चाहते हैं कि आप हमसे सवालात करें, आप हमें ईमेल करके ऐसी सिचुएशंस बताएं, हम आपके लिए वो रिकॉर्ड करें और हम आपको गाइड करें. अब हम डायरेक्शन चेंज करते हैं, एंगल चेंज करते हैं कि ये था एक हाथ, अगर ये हो जाते हैं दोनों हाथ तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जा सकता है. अभी दोनों हाथों से इन्होंने मुझे पकड़ लिया. पहली बात तो ये है कि जो हमने पहले बात की, पॉइंट्स मैंने आपको सिखाए, आँखें हैं, लिप्स हैं, कान हैं, कान के ऊपर आप मार सकते हैं, आँखों के ऊपर आप प्रेस कर सकते हैं, नोज़ के ऊपर आप पंच कर सकते हैं, ये मैंने आपको पॉइंट सिखाए थे. इसके साथ साथ अगर हमने हाथ पे प्रेशर देना हो तो अगर आप हाइटेड हैं तो आप अपने हाथों को ऊपर से लेकर आएंगे और यहाँ से यूँ प्रेस करेंगे नीचे की तरफ, ठीक है. और अगर आपको ये लगता है कि आपसे सामने वाला जो है वो छोटा है और वो लंबा है और आप छोटे हैं तो आप हाथ ऊपर नहीं लेके जा सकते, तो आप क्या करेंगे, हाथों को नीचे से ऊपर की तरफ यूँ दोनों हाथों को जोड़ेंगे और नीचे से ऊपर की तरफ यूँ निकालेंगे आप, ठीक है. अच्छा, इसके साथ साथ एक और बड़ी आसान सी चीज़ है कि अगर यूँ पकड़ा हुआ है तो मैं ना हाथ ऊपर से लेके आऊँ और ना मैं हाथ नीचे से लेके जाऊँ, मैं सिर्फ अपने शोल्डर का इस्तेमाल करते हुए अपनी बॉडी को मैंने टाइट कर लिया, एक शोल्डर को मैं अप करूँगा और मैं यूँ करके उस सिचुएशन में से आउट हो जाऊंगा. ये बड़ी आसान सी चीज़ है, सिर्फ आपने अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है. ये है गला पकड़ा हुआ इन्होंने, मैंने शोल्डर को ऊपर किया और यहाँ से मैंने शोल्डर का इस्तेमाल करते हुए निकाल लिया. अच्छा, इसमें और ये भी किया जा सकता है कि आपका गला यूँ है तो पावर किसी की ज़्यादा है, आपको ये लग रहा है कि आप नहीं छुड़ा पा रहे हैं, तो आप जॉइंट्स के ऊपर हिट कर रहे हैं, दोनों हाथों का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने दोनों हाथों को जोड़ा, एक हाथ के ऊपर मारा, उसके बाद जब ये खुल गया तो इस हाथ को पकड़ के आप एल्बो का इस्तेमाल कर सकते हैं, पंच मार सकते हैं या यहाँ से सिंपल एक हाथ से आप इसको निकाल सकते हैं. अच्छा, इसके साथ साथ ये जो नकल्स हैं, ये मैंने आपको बताया, जैसे हमने पेन के बारे में बात की थी, मोबाइल के बारे में बात की थी, तो ये एक वेपन है, ये इतनी हार्ड चीज़ है, इसकी हमारे सेल्फ डिफेंस के अंदर और मार्शल आर्ट्स के अंदर कैसे प्रैक्टिस की जाती है कि यूँ पंच बना के ये नीचे रखे जाते हैं और इसके ऊपर पुशअप्स किए जाते हैं, ये जब स्ट्रांग हो जाते हैं, वैसे भी ये स्ट्रांग होते हैं लेकिन अगर इस तरह की एक्सरसाइज की जाए तो ये इतना ज़बरदस्त किस्म का लगता है कि आपके अंदर अगर थोड़ी फोर्स है तो आप किसी की चेस्ट में मारें तो उसकी दो हड्डियाँ आप तोड़ देंगे यहाँ से, ठीक है. तो ये वैसे भी अगर आप प्रैक्टिस ना भी करें तो ये इतना स्ट्रांग होता है कि आप इसको सॉफ्ट पॉइंट्स के ऊपर कहीं हिट करेंगे तो आप मार सकते हैं. अब हमारा पंच किस तरह से वेपन है, हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, नजमा करीब आइएगा, आप पंच को कहाँ कहाँ मार सकते हैं सॉफ्ट पॉइंट्स पे, नाक के ऊपर, आँख के ऊपर, नकल की बात मैं कर रहा हूँ, जबड़े के ऊपर,
दांत के ऊपर, ठीक है। इसी तरह से अपर कट नीचे से आप चोटी के ऊपर हिट कर सकते हैं। इसके साथ साथ गले का जो ये हिस्सा है इसके ऊपर आप हिट कर सकते हैं, चेस्ट के ऊपर आप हिट कर सकते हैं, साइड से आप रिब्स पे हिट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हम इसका एंगल चेंज कर लें, ये मुट्ठी इसको अगर हम ऐसे बना लें तो ये कैसे हो सकता है? आप इसको सामने से नाक के ऊपर हिट कर सकते हैं, गले के ऊपर हिट कर सकते हैं, इस साइड से गले के ऊपर हिट कर सकते हैं और चेस्ट के ऊपर हिट कर सकते हैं, ठीक है। ये बन गई, इसको हमने नाक के ऊपर किया, गले के ऊपर, यहाँ से गले के ऊपर और सीने पर, ठीक है ये। अच्छा, इसके साथ अगर हम फिंगर को यूं कर लें, ये एक फिंगर देखें, सबसे पहले पंच बनाने का तरीका, आपने चारों उंगलियों को हाफ फोल्ड किया और उसके बाद फुल फोल्ड किया और थंब को यहाँ रख लिया, इस तरह से आपका कंप्लीट एक मजबूत पंच बन गया। अब इसको जब हमने ये कर लिया तो अगर एक फिंगर में यूं बाहर निकाल लूँ, जब आप पंच किसी को मारते हैं तो यूं मार रहे हैं, लेकिन अगर हमने इस फिंगर को ये कर लिया तो आप इसको सामने कनपट्टी के ऊपर हलक वाली जगह पे और लिप्स के ऊपर आप इसको मार सकते हैं। इस फिंगर को भी यूज़ कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, थंब को भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके साथ साथ चॉप, ये जो हिस्सा है इसको आप इसी तरह से नाक के ऊपर, साइड से गर्दन के ऊपर, इस साइड से गर्दन के ऊपर और सामने से सीने के ऊपर। अब इसकी बात कर रहे हैं हम, ये जो हम कर रहे थे आँख, लिप्स, होल, इसके बाद साइड से कनपट्टी। अच्छा, इसके बाद ये जो है सीधा नाक के ऊपर, साइड से कनपट्टी के ऊपर, गले के ऊपर और सीने के ऊपर, ये स्ट्राइक्स हैं। खुसूसन जब हम फीमेल्स को सिखाते हैं तो उन्हें ये लगता है कि उनके अंदर फोर्स नहीं है, मर्दों के अंदर ज़्यादा ताकत है और वो पंच का इस्तेमाल बिल्कुल ढीले ढीले से करना। अब ये कैसे होगा कि ये एक दफ़ा से, मैं बार बार ये चीज़ रिपीट कर रहा हूँ कि ये एक दफ़ा से प्रैक्टिस करने से नहीं आएगा आपको, आपने एक चीज़ की प्रैक्टिस कम से कम 1000 दफ़ा करनी है, ताकि खुदा ना खास्ता अगर आपके साथ ऐसी सिचुएशन हो तो आप उस सिचुएशन में से अपने आप को बचा सकें और ऐसी सिचुएशन अल्लाह ना करे आपके साथ हो। मुझे उम्मीद है कि आज की ये टेक्निक्स आपको समझ आई होंगी और इस तरह की टेक्निक्स लेके फिर हम हाज़िर होंगे, ऐसी कोई सिचुएशन लेके फिर आपके पास हाज़िर होंगे। तब तक जुड़े रहें हमारे साथ, अल्लाह हाफिज़। जी वेलकम बैक टू द शो। तो चलते हैं मेरे ख्याल से रैपिड फायर की तरफ, क्योंकि ये होना भी बड़ा जरूरी है। तो मैं शुरू करती हूँ। बिल्कुल जी, दोनों से है, बारी बारी बताएं अपनी कोई एक ऐसी आदत या दो ऐसी आदतें जिसके बारे में आपके फैंस को नहीं पता, वो बताएं। फैंस को नहीं पता, कोई एक तो नहीं है, फिर बहुत सारी हैं। तो बता दे। I guess I'm too talkative. I trust easily. अब मैं बेवकूफ बड़ी जल्दी बन जाती हूँ। ये वाली नहीं थी बताने वाली। झूठ नहीं बोल सकती, झूठ नहीं बोल सकती, ऑन द स्पॉट इनकार नहीं कर सकती। सो या मतलब मैं आई डोंट नो, मैं यही कह सकती हूँ कि द थिंग्स दैट इवन माय किड्स टेल मी के मॉम, मतलब यू नो, आप फंसवा देंगी किसी दिन, फंसवा देंगी। अच्छा सारा, कोई ऐसी आदतें जो आपके फैंस को नहीं पता? बट आपने मुझे बाद में पूछा है, फिर भी मेरा रैपिड जवाब नहीं आ रहा। मेरी भी काफ़ी आदतें हैं वैसे, अभी आई एम नॉट दैट सेल्फ अवेयर अबाउट देम, बट एक आई गेस आदत ही है दैट आई लव टू फीड स्ट्रे एनिमल्स। वो आई डोंट थिंक मेरे फैंस को पता है, जहाँ भी मैं किसी रेस्टोरेंट वगैरह में जाती हूँ, मुझे कोई बिल्ली शिल्ली नज़र आती है, मैं कहती हूँ इधर ही बैठ जाऊँ। और उसके अलावा एक मेरी आदत है, I'm an introverted person. I think ये आदत में आता है, I don't really love to socialize a lot, तो which is like against जिस तरह से मैं लगती होंगी, but that is also an आदत of mine. Done. कोई ऐसी चीज़ जिसके बगैर आप नहीं रह सकते? जिसके बगैर मैं नहीं रह सकती है? Like cheese या could be anything. इंसान या what? Like कुछ भी. कुछ भी. It could be anything. I think my kids. Yeah, absolutely. Wonderful. What about you? My parents? I think my family, जिसमें मेरी बिल्लियाँ भी हैं, my phone, definitely my phone. आजकल तो फोन के बगैर भी गुजारा काफ़ी मुश्किल हो गया। अच्छा सारा, एक्टिंग मुश्किल लगती है या मॉडलिंग मुश्किल लगती है? मॉडलिंग। मॉडलिंग? उसमें आपको खड़े होके एक ही टाइम में जो 40 poses बनाने होते हैं ना, I find it really difficult. Hats off to all the models. आपको क्या लगता है मैम, क्या दोनों में से क्या चीज़ ज़्यादा डिफिकल्ट है? आई थिंक दोनों अपनी अपनी जगह हैं, थोड़े से चैलेंजिंग।
क्योंकि ऑब्वियसली जिस तरह सारा कह रही है भाई एक खड़े होके तो कितने आप पोजेस कर लेंगे, यू हैव टू शो समथिंग डिफरेंट, कम अप विद समथिंग नाइस. उसी तरह एंड यू हैव टू स्टैंड स्ट्रेट, दे आर बोथ चैलेंजिंग. सो हाँ, अगर रैंप वॉक है वो है तो वो तो हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन दोनों अपनी अपनी जगह है, दे आर चैलेंजिंग. सोशल मीडिया कितना इंपॉर्टेंट है? सोशल मीडिया आजकल तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जनरली पब्लिकली बहुत इम्पॉर्टेंट समझा जाता है. ऑल्दो आई ट्राई कि मैं उसको कम से कम यूज़ करूँ, क्योंकि फिर यू गेट एडिक्टेड टू इट और आप और कुछ कर ही नहीं रहे होते. अकॉर्डिंग टू दैट मैम, सोशल मीडिया कितना इम्पॉर्टेंट? वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट फॉर माई सेल्फ एज सच, मैं बट जनरली टू नो व्हाट्स गोइंग ऑन आउट देयर. क्या दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया श्रिंक हो जाती है ना सोशल मीडिया के थ्रू. ग्लोबल विलेज इट इज इम्पॉर्टेंट, बट इफ यू यूज इट इन अ प्रॉपर वे तो दैट इज, आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो लोगों ने भूल गए हैं कि उसको इस्तेमाल कैसे करना है या उसको एक प्लेटफॉर्म की तरह यूज कैसे करना है. अच्छा, इंस्टाग्राम या फेसबुक में से ज्यादा कौन सा यूज करते हैं? एक जमाने में फेसबुक यूज किया, फिर समवन टोल्ड मी व्हेन आई वाज लाइक सिंस 2019 के प्लीज उसको छोड़ दो और इंस्टाग्राम पे आ जाओ, पूरी दुनिया उधर है. सो वो दैट इज काइंड ऑफ डिस्ड बाय मी फॉर फेसबुक, अब इंस्टाग्राम नहीं है. मतलब 2019 में आपने फेसबुक को डिच करा दिया. या सो नाउ आई एम ऑन इंस्टाग्राम. अच्छा सारा, फेसबुक या इंस्टाग्राम? इंस्टाग्राम, लेकिन अब क्योंकि इंस्टाग्राम एंड फेसबुक इज मोर और लेस द सेम, वहां मैं जो अपडेट करती हूं उधर भी चली जाती है, तो आई एम यूजिंग बोथ एट द सेम टाइम. फिल्म या ड्रामा? I would also try, would want to try film anytime. Horror film. Anytime, any day. Any film, yeah, any film in the sense character doesn't matter, but yes, the I would like to experience the film also. Okay, drama mein aur uske taaki mujhe comparison to milegi kya hai. So na movies banana mein jana karna, it's more challenging than the plays. That's what I've heard. So. Chale ji, Sara, ab bata de. I'm gonna tell what I like to watch instead of what I'd like to do. क्योंकि मतलब I like watching films more, क्योंकि dramas देखने में मुझे बहुत वो आपको एक attention चाहिए होती है, dedication चाहिए होती है, हर रोज बैठ के देखना पड़ता है, उसकी नई episodes आ रही होती हैं, कितनी commitment नहीं कर पाती. अच्छा, तो मैं films देखती हूँ. ठीक है जी. अच्छा, पाकिस्तान से बाहर अगर फिल्म की offer हो तो करना चाहेंगी? मैं तो ये सोच रही कि वो कौन मुझे ऑफर देगा बेचारा. आई मीन बड़े लोग होते हैं कदरदान. वो पीपल आई वंडर व्हाई व्हाट. वेल, व्हाई नॉट, अगर कोई अच्छा स्क्रिप्ट है, कोई अच्छे मजे का, कोई माँ के रोल के अलावा अगर कुछ दे, कोई कैरेक्टर रोल हो स्ट्रांग सा, स्ट्रॉन्ग पूरी उसकी, अगर माँ का रोल हो फिर आप नहीं करेंगे? नहीं यार. चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ और जल्दी से वापस आएंगे और इनसे बहुत सारी और बातें करेंगे. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ अमरीन एंड यू आर वॉचिंग आर सेगमेंट पर्सनल ग्रूमिंग. व्यूज, पर्सनल ग्रूमिंग के हवाले से हमने लास्ट सेगमेंट में भी बात की थी कि पर्सनल ग्रूमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, अपने आप को फिट रखना, अपने आप को खूबसूरत दिखाना आपके लिए कितना ज़रूरी है, क्योंकि आप अच्छा लगेंगे तो आप कुछ भी करें, कहीं भी जाएँ, किसी से भी मिलें, सबसे पहले जो नज़र आती है वो है आपकी ओवरऑल लुक. आपको वैल्यू तब मिलती है जब आप खूबसूरत दिख रहे होते हैं, और ख़ूबसूरत इंसान या अच्छा साफ सुथरा इंसान किसी से किसी भी जगह पे मिलता है तो उसकी एक स्पेशली इम्पॉर्टेंस होती है, और उसको लोग उसकी बात को भी अहमियत देते हैं. अगर आप कहीं भी किसी मीटिंग पे चले जाते हैं, किसी से मिलने चले जाते हैं, और आप अगर मैले कुचैले कपड़ों में जाते हैं या आप अपने आप को अच्छे तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाते तो आपकी बात की भी कोई वर्थ नहीं होती. लास्ट सेगमेंट में हमने बात की थी हैंड्स केयर के बारे में, आज हम बात करेंगे फीट केयर के बारे में कि आप अपने पाँव का ध्यान रखना कितना ज़रूरी होता है. फीट जो होते हैं एक मोस्ट निग्लेक्टेड, मैं कहूँगी कि एक आपका बॉडी पार्ट है. लोगों को लगता है कि शायद पाँव किसने देखने हैं, किसको नज़र आने हैं पाँव, उसको क्यों, क्या ज़रूरत पड़ी है उसके ऊपर इतनी एफर्ट करने की. बट ट्रस्ट मी, पाँव से ही आपकी नफासत का अंदाज़ा होता है. आप कितने नफीस हैं, आप कितने साफ़ सुथरे हैं, आप किसी के भी पाँव देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं. और पाँव में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो लोगों को फेस करनी पड़ती है वो ड्राई एंड क्रैक्ड हील्स की है. आज हम आपको उसका भी प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, जिस तरीके से हमने लास्ट सेगमेंट में आपको हाथों के करके दिखाया गया आप किस तरीके से अपने घर में अपने हैंड्स का ख्याल रख सकते हैं, इसी तरीके से आज हम आपको बताएंगे कि सिंपल छोटे से तरीके से आप घर में पेडिक्योर भी कर सकते हैं. आपके कई दफ़ा आपको सैलून नहीं जाया जाता, आपसे टाइम लग जाता है, आपको जाना मुश्किल हो जाता है,
तो हार्डली 10 मिनट्स या 15 मिनट्स मेरे ख्याल से 24 आवर्स में या वीक में भी आप निकाल लें तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है. सिर्फ मोटिवेशन होनी चाहिए, आपकी नीयत होनी चाहिए, तो सारे काम हो जाते हैं. तो हम आपको आज बताएंगे कि आप अपने घर में रहते हुए अपने फीट को किस तरीके से नीट, क्लीन और सॉफ्ट रख सकते हैं. तो व्यूअर्स हमारे साथ रहिएगा, हम आपको अभी सारा प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे. जी तो व्यूअर्स, हम बात कर रहे थे कि पाँव का ख्याल करना बहुत ज़रूरी होता है, और पाँव एक ऐसा आपकी बॉडी पार्ट कह लो कि उसको ऐसा बॉडी पार्ट है जो कि हमेशा लोग इसको निग्लेक्ट करते हैं कि कौन सा ये नज़र आना होता है. सॉक्स, सर्दियों में सॉक्स पहन लेनी है आपने, और गर्मियों में भी अगर बंद शूज़ पहन लेने हैं तो किसी का फोकस शायद नहीं होगा. बट एक सेइंग है कि अगर किसी की नफासत को चेक करना हो तो आप उसके पाँवों को देखें. अगर उसके पाँव नीट हैं तो इट मीन्स वो बंदा या बंदी वो सफाई का बहुत ख्याल रखता है, क्योंकि पाँव को सफाई रखने का वाला जो बंदा होता है वो एक्सट्रीम कह लो कि आप सफाई पसंद होता है. तो पाँव में सबसे बड़ा मसला जो फीट का आता है आपको अक्सर विंटर्स में, वो क्रैक्ड हील का आता है. जैसे हमने बात की कि बहुत ज़्यादा ड्राइनेस की वजह से पाँव फटे लगते हैं, ख़राब लगते हैं. तो हम तो सैलून पे रिकमेंड करते हैं कि आप मंथली एक या दो दफ़ा पेडिक्योर कराएं, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ योर फीट. अगर आपके फीट ज़्यादा ड्राई, डैमेज, रफ़ हैं तो आप एटलीस्ट दो दफ़ा तो पेडिक्योर कराएं. अब कई फीमेल ऐसी हैं या इवन मेल भी ऐसे हैं जिनको इतना टाइम नहीं मिलता कि वो सैलून्स जाएँ और पेडिक्योर वगैरह कराएँ. तो थोड़ा सा हमने आपको जैसे जिक्र किया कि हम आपको बताएंगे कि स्टेप ऐसे कुछ ऐसा तरीका जो कि आप घर में भी ईजिली कर सकते हैं ताकि आप अपने फीट का ध्यान रख सकें, और किसी किस्म के जो डैमेजेस बढ़ते जाते हैं अगर आप इग्नोर करेंगे अपने पाँव को भी, तो भी आपके पाँव की जो हील्स हैं या ओवरऑल पाँव ड्राई और ख़राब होते जाएंगे. लेकिन अगर आप उसको मेंटेन करेंगे तो हमेशा सॉफ्ट और लॉन्ग, मतलब बड़े अरसे तक, बड़ी एज के में भी जाके आप इनको अच्छा रख सकते हैं. नॉर्मल रूटीन में आप इनको सिंपल, अगर रात को सोते हुए वैसलीन भी लगा के और ऊपर कॉटन की सॉक्स पहन के सो जाएँ तो वो भी बहुत अच्छा है कि आपका ओवरनाइट जो है मॉइस्चर पेनिट्रेट होता है और वो जो हीट जाती है आपके सॉक्स की वजह से आपके पाँव में, वो बहुत अच्छा और सॉफ्ट इफ़ेक्ट आपको मॉर्निंग में देगा. लेकिन कई लोग उससे भी चिढ़ते हैं, वो नहीं करते और इतनी एफर्ट भी करना नहीं चाहते. तो अब ये कि कुछ भी पाने के लिए, कुछ अच्छा हासिल करने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है. तो अब हम ये है कि ये छोटी मोटी केयर तो हम आपको बताते हैं, जब आप वॉशरूम जाएँ, नहाएँ, आप स्क्रबिंग करें पाँव की, या आप स्क्रैबर होता है उससे फीट और अपनी डेड स्किन को रिमूव करें. और ये तो प्रोसेस ऐसे हैं जो आप डेली बेसिस पे या एटलीस्ट वीक में 2-3 दफ़ा कर सकते हैं. लेकिन जो पेडिक्योर है, एक प्रॉपर जो प्रोसीजर है, वो आपने अगर घर में करना हो तो उसके मैं आपको थोड़े स्टेप्स बता देती हूँ, ताकि उससे आपकी एक जो कहते हैं ना मंथली सफाई, या एक जो डीप क्लिनजिंग कहते हैं जिसको, वो आपकी होती है पेडिक्योर से. तो सबसे पहला जो स्टेप पेडिक्योर में होता है वो है आपने अपने नेल्स को शेप देनी होती है. अपने नेल्स में जो भी आपको रिक्वायर्ड शेप है, या कट नेल्स भरे हुए हैं, एक्स्ट्रा उसकी लेंथ है या अनइवन लेंथ है, तो पहले आप उसको शेप दें. उसके बाद अच्छी तरह से उसकी बफिंग करके, फाइलिंग करके नेल्स को प्रॉपर जो डिज़ायर्ड शेप है उसमें लेके आएँ. एंड देन उसके बाद आप पानी में, नीम गर्म पानी में उसको डिप करें. नीम गर्म पानी में जब पाँव को डिप करते हैं तो सारे दिन की थकावट भी दूर होती है. उसमें आप थोड़ी सॉल्ट डाल लें, थोड़ा लेमन डाल लें, थोड़ा ग्लिसरीन डाल लें, या आम रूटीन में जो शैम्पू घर में अवेलेबल है आप वो डाल लें, और एटलीस्ट 15 मिनट्स तक आप अपने फीट को उसके अंदर डिप करें. डिप करने के बाद आप फीट स्क्रबर, अगर आपके फीट पे ज़्यादा डेड स्किन है, ज़्यादा रफ हैं आपके फीट, तो आप हार्ड वाला स्क्रब यूज़ करें. और अगर आपके नॉर्मल फीट हैं और स्किन आपकी सेंसिटिव है, तो फिर आप सॉफ्ट वाला स्क्रब यूज़ करें. और बाज़ार में ढेरों ढेर स्क्रब्स अवेलेबल हैं. आप घर में बनाना चाहते हैं तो घर में भी बहुत इजी तरीका है. आप सॉल्ट ले लें या चीनी ले लें, उसके अंदर आप थोड़ा सा लेमन को मिक्स करें और एक पिंच ऑफ ग्लिसरीन को मिक्स करके आप इसको जब पाँव पे अच्छी तरह स्क्रबिंग करेंगे तो ये भी आपको बिल्कुल स्क्रबर वाला इफ़ेक्ट देगा. तो स्क्रबिंग करने के बाद अच्छी तरह से थोड़ा सा पानी के साथ यूज़ करते हुए आप स्क्रबिंग करेंगे फीट को. और इसके अलावा एक स्क्रैबर होता है जिसका मैंने आपसे जिक्र किया, वो आपकी डेड स्किन को उससे अच्छी तरह से आप उसको रिमूव करें. एंड देन डेड स्किन जब रिमूव होती है तो फिर अगेन हमारी आ जाता है स्टेप
क्यूटिकल कटिंग्स का, आपके जो नेल्स के इर्द गिर्द डेड स्किन है वो पुशर से आप पहले नेल्स को पुश करेंगे एंड देन फिर आप जो है डेड स्किन रिमूव करेंगे। एंड डेड स्किन रिमूव करने के बाद, क्यूटिकल कटिंग के बाद, आपकी जो लास्ट स्टेप आता है वो है आपकी मसाज। मसाज ऐसा है कि वो खुद से करने में आपको थोड़ा सा शायद इतना रिलैक्सिंग फील ना हो, अगर आप किसी से करवा लें, घर में मेड है उससे करवा लें, और अगर सपोज आप को कोई भी नहीं करने वाला, इवन देन आप अच्छी तरह से कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम या कोई भी मसाज क्रीम लेके आप अपने फीट पे अच्छी तरह से मसाज क्रीम लगाएं ताकि आपके फीट में जो भी ड्राइनेस है वो ख़त्म हो। क्योंकि अगर आप ये स्टेप ड्रॉप कर देंगे तो आपके, चाहे आप जितना भी नीट कर लें फीट को, आपके फीट फिर भी ड्राई रहेंगे। ठीक है, आपने मसाज करने के बाद रिकमेंडेड तो है यही कि आप कोई भी कॉटन की सॉक्स एटलीस्ट थोड़ी देर के लिए पहनी रखें ताकि आपके जो फीट में मॉइस्चर है वो फीट में पेनिट्रेट हो। और देन आप उसके बाद ये एटलीस्ट वीक में एक बार भी कर लेंगे आप, तो वीक या मंथ में एक बार भी कर लेते हैं तो आई थिंक इट्स मोर देन इनफ, आपकी एटलीस्ट मेंटेनेंस रहती है। तो व्यूज, आज हमने आपको पेडीक्योर के बारे में बताया है और पेडीक्योर जो फीट की केयर है उसके बारे में छोटी मोटी टिप्स दी हैं आपको। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में हम किसी और टिप एंड ट्रिक के साथ आएंगे और आपके साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे और आपको न्यू नॉलेज भी देंगे। तो कीप वॉचिंग आवर प्रोग्राम, सी यू सून इंशाल्लाह। मैम, अगला जो सवाल है वो, ये मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, ये हलीमा ने लिखे हैं रैपिड फायर, मेरा नहीं। तो इसलिए ये रैपिड फायर मैं ही लिखती हूं। सेलिब्रिटी क्रश बहुत सारे, हाँ बहुत सारे भाई। एक तो हमारे अपने पाकिस्तान के, हमारे इतने जबरदस्त सारे पुराने जितने पाकिस्तान से आर्टिस्ट थे, और इसको हम नैरो डाउन कर लेते हैं। किससे नैरो डाउन कर लेते हैं, पाकिस्तान से बता लेते हैं, पाकिस्तान से बता दो। ओके, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप पुराने बताएं, क्योंकि हम लोग बचपन में तो बाहर वालों को वो करते थे, तब हमारे इतनी अवेयरनेस यहाँ से नहीं थी। बट यस, मैं नहीं एक्चुअली, आई कैन नैरो डाउन अ फ्यू। ओके, like Durdana Bhatt was my favorite. Okay. She was also a friend. I really, matlab, but she can't be your celebrity crush. No, she was okay. My celebrity crush, I mean, main to nahi koi crushes kehti hu yaar. You don't have to have a male guy. Zaruri nahi hai bhai ki male hi ho. Koi bhi, haan male hi ho. Ab main naam lungi to phir aage main unke bete ke sath ek wo ghar ke hati hu kahenge. So yeah. और उसमें भी उनकी, उसमें भी उनकी वालदा का रोल ही था। नहीं, सास सास का। चलो, we'll narrow it down ourselves. आसिफ रज़मीर, वैसे he is very charming and good looking. Sorry, आसिफ रज़मीर की बात कर रही हूँ। जी, आसिफ तो खैर obviously वो भी बहुत अच्छे थे, उनके बच्चे बेटा जो है बहुत ही very humble child, very well brought up, माशाल्लाह। even नुमाना जाज़, मैम कभी साहब का नाम लेके आगे चलते हैं ना, नुमाना जाज़, you know, like, yeah. So yeah, they are some, I can't देखे मेरा एक वो नेशनल सेलिब्रिटी क्रश तो है ही है, फवाद खान। आई थिंक ही इज अडोरेबल, आई रियली लाइक हिम, आई वुड लव टू वर्क विद हिम समटाइम। अच्छा, किसी ऐसी चीज से डर लगता है जैसे कोई जानवर है या कीड़ा मकोड़ा है? ऑफ कोर्स, सो मेनी रेप्टाइल्स, ऑल द रेप्टाइल्स इन द ऑन द लिस्ट। कॉकरोच नहीं, वो दैट्स लिजर्ड्स, हाउस लिजर्ड्स, स्नेक्स, क्रोकोडाइल्स, एनीथिंग, ऑल दीस काइंड ऑफ, या सारा किसी चीज से डर लगता है? नहीं, नॉट रियली। आई कभी छिपकली मारी है? I don't kill animals, okay? I feed them. उनकी भी जिंदगियां होती हैं, वो भी इंसान होते हैं एक किस्म के। मैम आपने तो मारी होगी। बहुत बुरे थे, मतलब that's the worst thing, challenging thing for me. मतलब उसको मारने के चक्कर में मुझे लगता है I inhale most of the spray that I spray. Oh my god. एक चीज मुझे याद आई है, I'm really scared of it. उड़ने वाला कॉकरोच, जब वो चल रहा होता है इट्स फाइन, जब वो उड़ने लग जाता है ना, और बंदा कोशिश कर ही रहा होता है कि अभी जूता मारे और वो मरे, और वो एकदम उड़ने, मेरा डर यहाँ से ही शुरू हुआ था। एक दिन वो बस था, एंड अच्छा, उसकी जिंदगी नहीं है, उसकी जिंदगी नहीं है, वो इंसान नहीं है। व्हेन इट्स बॉदरिंग मी, मैं कह रही हूं वो इंसान नहीं है, व्हेन इट्स बॉदरिंग मी, ठीक है, उस टाइम नो मर्सी। ओके, कोई चीज आपने चुराई है कभी?
होटल से हो जाता है या वैसे हो जाता है, बहुत सारी चीजें होती है जो बंदा आते आते ले आता है कि चलो यार। ये रीमा किस किस्म के सवाल पूछ रही है? I want to. My mother has a very beautiful ring. हम सब बहन भाइयों की उस पर नजर है। मैं मम्मी से कहती हूँ आप इधर उधर हो तो मैं उसको उठाऊंगा ना। अच्छा मैं तो ले लेती हूँ उनसे। अच्छा मेरी मदर है भी ऐसी की वो एक दफा चीज पहनने के बाद ना कहती है अब ये फला दफा पहन ली थी, हम तो उनकी ले लेते हैं उनकी ज्वेलरी और वो बड़ी पुराने स्टाइल की जितनी होती है ना उनकी साड़ी। उनकी जो रिंग है obviously जब हम कहीं जा रहे होते हैं तो वो भी पहन के जा रही होती है, so there's no way I can get hold of it, but I would really want to get hold of that ring. फिर हम लोग ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। चुराई कभी? नहीं, नॉट रियली। ये इससे मुझे एक और चीज़ याद आ गई है विच आई एम अफ्रेड ऑफ माई मदर, वरना मैं जिंदगी में कभी लोग होते हैं ना पैसे वैसे चुरा लेते हैं, आई कुड नेवर डू दैट, आई वाज सो अफ्रेड, आई वाज लाइक नहीं उनको पता चल जाने मेरी पेंटी लग रही है। चले जी, टाइम हो जाता है कि हमारे सेगमेंट का, और सेगमेंट से वापस आएंगे और फिर यहीं से बातें करेंगे और प्रोग्राम तकरीबन अपने अख्तितम को पहुँच रहा है, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है। सेगमेंट पर चलें और जल्दी से वापस आएँ। एक बार फिर से हम लोग वापस आ चुके हैं और टाइम बहुत ही कम रह गया है, तो एक दो सवालात। मैम, सुपर पावर अगर कोई आपको मिले तो कौन सी सुपर पावर जो है वो आप लेना पसंद करेंगी? ऐसी कि मैं गायब हो जाऊं, दुनिया को में से सारे बुरी नेगेटिविटीज निकाल के एकदम पॉजिटिव कर दूं और एकदम अच्छा सा कर दूं, सारे एक अच्छे तरीके से रहे, ना कोई किसी जानवर को मारे, ना कोई किसी इंसान को मारे, ना कोई यू नो लाइक नो नेगेटिविटी, बस मुझे ये चाहिए। आई जस्ट वांट दैट। आई फील कि नाउ डेज वी आर लैकिंग सो मच ऑफ इट कि एट टाइम्स इवन आई थिंक कि हम अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं। सो दैट इज द थिंग दैट आई वांट टू चेंज इन द होल वर्ल्ड। सारा, आप? सुपर पावर्स आई डोंट नो, कभी कमी नहीं हो सकती। सारे मेगा समथिंग जिसमें सारे सुपर पावर्स आ जाए। अच्छा सारा, अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएं, किन प्रोजेक्ट्स पे काम करी हैं और क्या करने का इरादा है अपने फैंस के लिए? फ्यूचर प्रोजेक्ट्स, आई एम वर्किंग ऑन 2-3 प्रोजेक्ट्स करंटली जो डिफरेंट चैनल्स के लिए डिफरेंट प्रोडक्शन हाउसेस के साथ हैं, तो माई फैंस विल प्रोबेबली बी सीइंग मी काफ़ी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स बैक टू बैक इंशाल्लाह।
तो फ्यूचर में बस यही डिफरेंट रोल्स करूँगी मैं, डिफरेंट अपनी ऑडियंस को रीच आउट करने की कोशिश करूँगी डिफरेंट तरह के ताकि कैरेक्टर्स में करूँ, और इंशाल्लाह आई लव टू डू अ फिल्म व्हाटएवर कम्स माय वे। अच्छा मैम, क्या माँ के रोल के अलावा क्या फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं? अभी हुए हैं, एक आध हैं, एंड दे आर स्टिल ऑन द गो, तो एंड आई एम होपिंग कि यस दे विल ब्रिंग अ लिटिल चेंज इन माय दिस थिंग आल्सो, ये जो पर्सोना ऑफ अ मदर बन चुका है उसको थोड़ा सा हटाने में हेल्प करेगा। अच्छा मुझे ये बताएं कि फैशन ट्रेंड्स को फॉलो करना जरूरी है क्या? नहीं, नॉट रियली, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर ओन पर्सनैलिटी, हाउ यू कैन एक्चुअली यू आर यू, आई बिलीव दैट यू शुड बी द ट्रेंड सेटर। डाइट कॉन्शियस है? थोड़ा सा कभी कभी, बट नॉट रियली। फिटनेस? यस, वॉक शॉक ट्रेकिंग हाइकिंग यस, आई एम नॉट अ जिम। ब्रांड कॉन्शियस है? नहीं, एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट, क्योंकि मुझे आई जस्ट फील के ब्रांड के अलावा और इतनी अच्छी चीज़ें हैं कि अगर आप बिकॉज आई डू दैट, आई डोंट वेयर ब्रांड्स उस तरह करके अनलेस अनटिल आई एम बीइंग गिफ्टेड बाय माय फैमिली और समथिंग, बट नॉट रियली। मुझे अच्छा लगता है कि मैं कोई ऑर्डिनरी चीज उठाऊं और पहनूं और लोग उसकी तारीफ बिल्कुल करें। और मुझे वो अच्छा आप पे ऐसी लगे कि लोग आपसे पूछें कि कहां से आप जो मेरे साथ होता है होता रहता है और मैं बता भी देती हूँ, एंड अक्सर माय लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स अराउंड मी टेल मी के क्या जरूरत है बताने की, मैं कहूं व्हाई नॉट, नहीं बता देना चाहिए, बिल्कुल बता देना चाहिए, मुझे बता देना चाहिए सारा आप। हां सेम, आई डोंट थिंक आई एम नॉट वेरी ब्रांड कॉन्शियस एट ऑल, क्योंकि एज लॉन्ग एज हाँ ये बात है कि कुछ ब्रांड्स लाइक ऑब्वियसली उनकी क्वालिटी वगैरह थोड़ी बेहतर होती है, लेकिन देर आर अदर ब्रांड्स जैसे लोकल ब्रांड्स हैं, दे आल्सो हैव रियली गुड क्वालिटी एंड अच्छी चीज़ें होती हैं। आई आल्सो डू नॉट फेवर फास्ट फैशन उस तरह से, क्योंकि वो फिर आपकी चीज़ें ज़ाया ही हो रही होती हैं। इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं ना, जैसे जूते में अगर हमें कंफर्टेबल जूता नहीं मिलेगा तो वी विल टेंड टू गो फॉर अ ब्रांडेड नेम और समथिंग, कि जूता इज समथिंग दैट नीड्स टू बी कंफर्टेबल, नियर टू कंफर्ट, बस क्वालिटी हो, कंफर्ट हो, तो इट डजंट हैव टू बी ब्रांडेड एज सच। मैम थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच सारा फॉर कमिंग। एक लास्ट मैसेज मैं चाहूंगा, एक आप दे दें और एक आप दे दें। सो अच्छा मैं तो हमेशा अपने एंड ऑफ द इंटरव्यू हमेशा ये कहती हूं, प्लीज बी पॉजिटिव, ब्रिंग आउट द पॉजिटिव एनर्जी ताकि दूसरों को भी मिले उससे और आप भी उसको कैच कर सकें। सो व्हाट गोज राउंड कम्स बैक आल्सो ना, तो प्लीज़ इस पॉजिटिविटी को बाहर रखें, निकालें, वट एवर चैलेंजेस वन इज फेसिंग, डू नॉट लूज हार्ट, डू नॉट लूज होप, और अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है। I would also like to second her that yes, I also think the same way, positivity is very important, and I hope we get positive reviews for our upcoming drama as well. Inshallah, inshallah. We are looking forward के positive reviews मिले, और वो चीज़ें भी आप लोग बताएं जो आप देखना चाहते हैं। वक्त की कमी की वजह से हमें आप लोगों से इजाज़त लेनी पड़ रही है। मुझे नजम और हमारी पूरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखें, अपना और अपने पेरेंट्स का बहुत ख्याल रखें। अगले एपिसोड तक के लिए मेरे और नजम की तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।